नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे कि कोल्हू बैल की मदद से कैसे सरसों का तेल निकाला जाता है और कैसे ये जो विधि है ये काफ़ी पुरानी है, परंपरागत है, कई सदियों से चली आ रही है और उसी मदद से इसको तेल को निकाला जाता है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये प्योर शुद्ध तेल होता है। और कैसे काम करता है, कितने देर में इस विधि से आप तेल निकाल सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे और इसको किस तरह से काम करता है वो भी। और इसके लिए हमारे साथ सत्यवीर जी हैं जो इसको करते हैं। तो सत्यवीर, थोड़ा चलाइए इसको और हमें बताइए इसका क्या है, चीज़ें हैं। तो ये आप देखिए, पहले ये सरसों का पीला सरसों का पर सरसों है और आप देख सकते हैं कि पीला ये सरसों है और इसी से कार्य किया जा रहा है। और इधर थोड़ा सा तो ये पूरा तो सत्यवीर जी, अच्छा इनका नाम से जानते हैं क्या बैल को, क्या नाम है इसका? भरत नाम है। अच्छा, भरत नाम है जी। तो भरत कहेंगे तो रुक जाएगा जी। भरत क्या बोलेंगे तो शुरू हो गया, चालू हो गया, चलो जाएगा, क्या बोलना पड़ेगा, चलिए। तो ये देखिए, ये पूरा विधि है, एक अलग ही सत्यवीर के नाम से चलते हैं, नाम से रुक जाते हैं। भरत देखिए, ये एक बड़ा ही लॉजिक है, भरत कहने पर रुक गए, भरत चलिए। ये अपना जो पालो है ना, हाँ हाँ, इसको हटा कर फिर लगाएंगे ना, बोलेंगे कि उठा लो तो अपने से उठा लेगा। अच्छा भरत चलिए, अब चलिए भरत, भरत। तो ये देखिए, ये पपे थोड़ा सा वीडियो देख लिया, अब थोड़ा सा हम सत्यवीर जी से समझ लेते हैं। सत्यवीर जी, हम थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं क्योंकि भरत जी को लगातार रुक जाइए, भरत आप आ जाइएगा इधर। और थोड़ा सत्यवीर जी बताइए, कैसे होता है, कितने लीटर तेल, कितने घंटे में कितना लीटर तेल निकल जाता है? चार घंटा होता है तो 3.5 लीटर तेल निकलता है। साढ़े चार घंटा होता है तो 3 लीटर तेल निकलता है, यानी कि 3.5 लीटर घंटे में 1 लीटर के आसपास निकल जाता है। और ये पूरा प्रोसेस होता है जी। तो इसमें क्या है, ये कोल्हू है जी, कोल्हू है और ये बैल है। तो कोल्हू बैल की मदद से कैसे, जो पुराना सदियों से चला रहता है, आप भी निकालते हैं, तो इसका तेल का खासियत क्या रहता है कुछ पता है? अच्छा चलिए, तेल के इसमें प्योर शुद्ध होता है तेल और माना जाता है कि इसका तेल जो होता है ठंडा होता है, पूरा तरह से शुद्ध होता है। और इसका उपयोग कितने लीटर, कितने है ना? अच्छा किस मशीन, थोड़ा सा ही दिखाइएगा, मशीन थोड़ा सा देखिए, लकड़ी से कढ़ाई होता है। अच्छा जी, ये लकड़ी भी लकड़ी है, ये लकड़ी है और ये लकड़ी है और इसी से ये घूमता रहता है, मशीन नहीं, इसमें लकड़ी है, लकड़ी से पेराई होता है, लकड़ी से पेराई लगातार होता रहता है ना, और ये चलता रहता है पूरी तरह से। इस वीडियो में आपने देखा कि सदियों पुरानी कोल्हू बैल विधि से कैसे निकाला जाता है सरसों का तेल। ये थी पटना से अंकित सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है, दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले, तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया, विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाए ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे, हम नहर से मात्र दो पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक ही पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है,
जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है जमीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम जमीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा जरूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1,011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।